आई होप कि सब लोगों को जो हम लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी हमने वो समझ आ गई होगी सब लोगों को कि जी इवेंट एक्चुअल में होता क्या है। रियल लाइफ से हमने समझने की कोशिश की थी और हमने प्रोग्रामिंग के अंदर फिर उसको समझने की कोशिश की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हमने समझा था कि जी इवेंट क्या चीज़ होती है और वाई इवेंट, इवेंट ही क्यों, कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं है। दूसरा तरीका भी हमने डिस्कस किया था 1-to-1 वाला। तो अब यहाँ पे जरा ना एक एक करके इन्होंने डिस्कस किया है कि जी इवेंट कौन कौन से जो ना मोटे मोटे जो अब होते हैं, तो यहाँ पे माउस के कौन कौन से इवेंट होते हैं अब वो डिस्कस हो रही है बात। यहाँ इन्होंने लिखा है कि यू हैव लर्न टू मेक थिंग्स हैपन व्हेन यूजर क्लिक अ लिंक। पिछले चैप्टर में इन्होंने कहा कि जी लिंक पे क्लिक होता है तो आप उसके अगेंस्ट कुछ करवाते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाते हो आप। बटन पे क्लिक होने पे भी आपने सीख लिया है। और एन इमेज, इमेज के ऊपर भी हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि ऑन क्लिक लग जाता है। अच्छा, यूजिंग इन लाइन इवेंट हैंडलर, इस पॉइंट पे हमने क्या यूज किया था, इन लाइन इवेंट हैंडलर, जो कोडिंग प्रैक्टिस वाला नहीं किया था। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के अंदर ही हमने कोड लिखा था या अंदर ही फंक्शन का नाम लिखा था, जो कि इन्होंने बोला है कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे केसेस में, सिंपल केसेस में, जैसे कि फॉर्म की सबमिशन पे तो चल जाएगा वो, लेकिन माउस का जो इवेंट है, अब माउस के अंदर तो HTML का कोई टैग नहीं होता ना भाई। फॉर्म के सबमिट पे तो ऑन सबमिट या बटन के ऊपर एट्रीब्यूट लगा देते हैं। अब माउस का अगर इवेंट लेना है कि जी माउस क्लिक हो या माउस मूव हो या माउस किसी एलिमेंट के ऊपर आए, तो इसमें एट्रीब्यूट वाला काम नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इन लाइन इवेंट हैंडलिंग इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस बट इजियर टू लर्न। पहले इसलिए पढ़ा दिया कि आसान है। लेटर इन द बुक यू विल लर्न द अप्रोच दैट इज प्रिफर्ड बाई मोस्ट प्रोफेशनल, द स्क्रिप्टिंग अप्रोच। वेल, बट वेदर यू आर यूजिंग इन लाइन मेथड और प्रिफर स्क्रिप्टिंग मेथड, ऑन क्लिक इवेंट इज ओनली वन ऑफ मेनी काइंड ऑफ इवेंट दैट योर कोड कैन रिस्पॉन्ड टू। कह रहे हैं कि जी आप कोई सा भी अप्रोच यूज करें वो नहीं मैटर करता, लेकिन ऑन क्लिक जो है वो क्या है, बहुत सारे इवेंट्स में से एक है, एक लंबी लिस्ट है इवेंट्स की जिनमें से एक ऑन क्लिक है। अच्छा, और ये क्या बात कर रहे हैं अब आगे, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू मेक थिंग्स हैपन व्हेन यूजर माउस ओवर समथिंग ऑन अ पेज एंड आल्सो व्हेन यूजर माउस अवे फ्रॉम इट। अब ये कह रहा है कि इसमें ना हम सीखते हैं किसी बॉक्स पे या किसी इमेज पे जब माउस आप लेकर जाते हो तो उस पर रिस्पॉन्ड करना है। मैं वैसे तो माउस लेके जाते में कुछ भी नहीं होता, इवेंट लेकिन फायर होता है बैकग्राउंड में, हमें नहीं पता चलता लेकिन इवेंट फायर होता है। अच्छा, लेकिन हमें अब क्या करना है, उस इवेंट के ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, उस इवेंट पे लिसनर लगा के उसको पकड़ना है। जब लिसनर लगा के हम बैठे रहेंगे ऐसे कान लगा के, जैसे ही वो इवेंट आएगा हम उसको सुनेंगे और हम कुछ काम करेंगे उसके अगेंस्ट। और माउस अवे जब करेगा, यानी ऊपर लाने के बाद जब उससे हटाएगा माउस, किसी इमेज पे माउस लाया उससे जब हटाएगा, आमतौर पे आपने देखा होगा अली एक्सप्रेस वगैरह पे या इस तरह के जो ई कॉमर्स के शॉपिंग एप्स होती हैं, उस पर पिक्चर के ऊपर जैसे ही आप हवर करते हैं तो पिक्चर बड़ी हो जाती है, तो वो माउस का असल में इवेंट इस्तेमाल हो रहा होता है वहां पे उससे होती। सपोज योर पेज इनिशियली डिस्प्ले बिफोर पिक्चर ऑफ अ मॉडल, व्हेन यूजर माउस ओवर द पिक्चर इट इज रिप्लेस्ड बाय आफ्टर पिक्चर। यू माइट प्रिफर टू डू दिस विद CSS बट सिंस द जावास्क्रिप्ट बुक आई विल शो यू इवेंट हैंडलिंग अप्रोच। कह रहे हैं कि जी एक पिक्चर है, आप जैसे ही उस पर हवर करते हैं माउस, वो पिक्चर बदल जाती है, बिफोर आफ्टर वाला कह लें या जो भी कह लें आप, किसी एक फूल था वो ब्लैक एंड व्हाइट था, आपने हाथ रखा तो वो कलरफुल हो गया, या कोई गुलाब का फूल था आपने उस पर होवर किया तो वो गेंदे का फूल बन गया, तो पिक्चर स्वैप हो गई, चेंज हो गई। ये काम CSS से भी हो सकता है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जी बट ये जावास्क्रिप्ट की बुक है तो ये फिलहाल अभी जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए हम इसको कर रहे हैं, अदरवाइज ये इमेज स्वैप वाला काम CSS से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको हम जावास्क्रिप्ट से ही करें। अच्छा, अब ये कोड जरा देखें, एक इमेज का SRC लगा हुआ है और माउस ऑन माउस ओवर पे इस जगह पे कोई भी फंक्शन आप रख के चला सकते हैं। इन्होंने तो अभी SRC लिख दिया डायरेक्ट, बट जो हम पहले से करते हुए हैं उसको रिलेट करने के लिए, ऑन क्लिक लगाते थे हम इमेज के ऊपर, ऑन क्लिक लगाते थे हम पहले तो इमेज पे क्लिक करते थे माउस से तो इवेंट पता चलता था हमें, अब माउस ओवर भी लगा दिया हमने। अच्छा, एट द सेम टाइम दोनों भी लग सकते हैं कि जी माउस ओवर पे एक दूसरा फंक्शन चला दिया, माउस के क्लिक पे एक दूसरा फंक्शन चला दिया, या एक ही फंक्शन चला दिया दोनों पे, माउस ओवर करे माउस क्लिक करे एक ही फंक्शन है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या करना चाह रहे हैं आप। तो माउस ओवर जैसे ही होगा ना वो फंक्शन चल जाएगा,
और वो फंक्शन चलेगा तो जो भी उस फंक्शन में बात लिखी भी होगी वो हो जाएगी। अच्छा अच्छा अब देखें इन्होंने क्या किया। अगला काम, H1 का एक टैग लगाया और उसपे ऑन माउस ओवर लगाया, और ऑन माउस ओवर के ऊपर इसने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया अलर्ट करके। ठीक है, अब इसमें ये क्या पॉइंट करना चाह रहे हैं कि जी यू कैन यूज ऑन माउस ओवर इवेंट हैंडलिंग विद अदर HTML एलिमेंट्स, कि जी जरूरी नहीं है कि आप इमेज पे लगाएं, आप H1 पे भी लगा सकते हैं। वो तमाम एलिमेंट जो स्क्रीन पे नजर आते हैं उन तमाम एलिमेंट के ऊपर ये माउस ओवर लग सकता है। ठीक है, हेयर इज अ बिट ऑफ इनलाइन कोड डिस्प्ले दैट दिस दिस। इन्होंने कहा भाई H1 पे हमने लगा के आपको दिखा दिया, आप भी इसको लगा के देखो। और यहाँ पे इन्होंने लिंक के ऊपर लगाया, एंकर टैग है उसके ऊपर ऑन माउस ओवर लगा दिया, और ऑन माउस ओवर लगाने के बाद दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू ग्रीन कर दिया। बेहतर ये कि आप ये वाला तरीका ना करें, फंक्शन वाला तरीका करें। ये दिस का मतलब होता है कि इस एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, बट आपको जैसा कि पता है कि नया वाला जो जावास्क्रिप्ट है उसमें ये दिस को खत्म कर रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता, तो बेहतर ये कि ये दिस वाली अप्रोच ना करें। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाए और उस फंक्शन में आप क्या करेंगे, आपको ये एंकर टैग पूरा का पूरा मिल जाता है, अलग से भी उठा सकते हैं आईडी से, लेकिन पूरा का पूरा मिल जाता है। वो अभी हम इवेंट का पूरा ऑब्जेक्ट जो देखेंगे तो उसमें ये चीज कवर हो जाएगी कि इवेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके अंदर ये पूरा आपको मिल रहा होता है, आपको गेट एलिमेंट करने की जरूरत नहीं होती जब आप इवेंट के जरिए काम करते हैं तो। अच्छा जी, और क्या इसने बात की है, फॉर नाउ जस्ट मेमोराइज द सीक्वेंस ऑफ यू रिपीट द एक्सरसाइज दिस 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 इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल द पैराग्राफ एक्सपेंड टू इंक्लूड मोर इंफॉर्मेशन व्हेन यूजर हवर्स ऑन इट। अच्छा अब देखें यहां पे इन्होंने क्या किया कि एक पैराग्राफ है उसके ऊपर ऑन माउस ओवर पे एक फंक्शन चला दिया, और समहाउ जब इस पे माउस ओवर होता है ना इस पैराग्राफ पे, तो ये पैराग्राफ 3 लाइन से 6 लाइन का हो जाता है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा इन्होंने किया है जिसकी वजह से वो अपनी मजीद डेटा जो है वो शो करा देता है जो उसमें छुपाया हुआ है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा कि जी एक आपके पास वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल में 3 लाइन का ना डिटेल लिखी होगी, एक में 6 लाइन लिखा होगा, एक दूसरे का ही वो आधा आधा होगा। तो फंक्शन पे जैसे ही फंक्शन चलेगा माउस ओवर करने पे, तो हम दोनों को कॉन्कैटिनेट करके उसमें इनर HTML करा देंगे, दैट्स इट। इसको भी हम करके भी देखते हैं। अच्छा जी, तो ये यहां पे ना माउस ओवर वाला ये कंप्लीट हो गया। अब इसका ना थोड़ा सा यही जो बात इन्होंने की है इसी को ना कोडिंग करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा है कि जी 26 डॉट माउस इवेंट्स, और ये मैंने पुराना कोड सारा इसमें से उड़ा दिया। यार नमाज कितने बजे, 10 मिनट है ना, हाँ बस 10 मिनट में इसकी कोडिंग करते हैं फिर नमाज पढ़ने चलते हैं। अच्छा जी, ये मैंने माउस ओवर लगा दिया, उसके बाद मैंने लगा दिया एक IMG। ठीक है, एक IMG लगा दिया, इसको अभी SRC देते हैं, कुछ सोर्स देते हैं अच्छी सी प्यारी सी, और अल्टरनेट टेक्स्ट की भी खैर है। अब मैंने कहा कि जी ऑन, तो जैसे ही मैंने ऑन इस पर लिखा है आप नोट करें क्या हुआ है, ऑन एबॉर्ट, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन ड्रैग, ऑन ड्रॉप, ऑन एरर, ऑन फोकस, ऑन इनपुट, ये देख रहे हैं आप कितने सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, ऑन की अप, ऑन लोड, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस लीव, ये सारे इवेंट्स हैं इसके ऊपर। ठीक है, ऑन माउस डाउन का मतलब है कि इसके ऊपर लाके ना जब आप बटन को माउस को टक दबाएंगे ना जब, तो ये माउस डाउन इवेंट फायर हो जाएगा उसी वक्त, छोड़ने से पहले ही फायर हो जाएगा, आप दबा के रखेंगे वो फायर पहले ही हो चुका होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही इस इमेज के ऊपर लाके आप माउस का बटन टिक करेंगे ना, जब आप अभी आपने होल्ड करके रखा हुआ छोड़ा नहीं है, लेकिन वो इवेंट फायर हो जाएगा, जैसे ही टिक होगा इवेंट फायर हो जाएगा। उसके बाद माउस डाउन है ना, ये रहा माउस अप, वो बटन जैसे ही टिक वापस छोड़ेंगे ना तो अप फायर होगा, और उसके बाद फिर जो है वो ऑन क्लिक, इन दोनों के बाद चलता है मेरा ख्याल। वो देखेंगे आप डॉक्यूमेंटेशन में, वो सीक्वेंस आपको बता देते हैं वो, कि जी वो पहले डाउन चलेगा फिर अप चलेगा फिर क्लिक चलेगा, वो सीक्वेंस लिखा होता है MDN पे लिखा हुआ होता है।
ठीक है, हम तो कभी देखने की जरूरत पड़ जाती है हम समटाइम। अच्छा आप देखें ये वाला ऑन माउस एंटर ऑन माउस लीव, कि माउस जब इस पे एंटर हो या लीव हो, ठीक है। तो ये अब सारे इवेंट है, इन तमाम इवेंट के बारे में आप अलग से एमडीएन पे जाके देख सकते हैं जी। मैं इसको लिखूंगा ना माउस इवेंट एमडीएन एंटर, तो ये आपके जी तमाम के तमाम ना माउस के जितने भी इवेंट्स हैं उनकी यहां पे क्या बनी हुई है, एक अदद लिस्ट बनी हुई है। तो हम एक मिनट यार, ऑन मैंने ऑन माउस डाउन लिख दिया डायरेक्ट, माउस इवेंट्स यार वो लिस्ट नहीं आ रही इवेंट की, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा ये साइड पे आ रहा है ना, ये रहा ऑन माउस डाउन माउस एंटर माउस लीव माउस मूव माउस आउट ओवर, ठीक है हम जो कर रहे हैं माउस ओवर वाला कर रहे हैं। अच्छा अब माउस एंटर को जरा क्लिक करके देखते हैं इसके बारे में ये क्या बता रहे हैं। ऑन माउस एंटर इवेंट इज फायर्ड एट एन एलिमेंट व्हेन पॉइंटिंग डिवाइस यूजुअली अ माउस इज इनिशियली मूव्ड सो दैट इट्स हॉट स्पॉट इज विद इन द एलिमेंट एट विच इवेंट इज फायर्ड, कि जैसे ही एक चकोर इमेज है ना, जैसे ही वो पॉइंटिंग डिवाइस इसके जो चकोर इमेज के बाउंड्री के अंदर दाखिल होगी वैसे ही ये फायर हो जाएगा, ठीक है, और जब इससे बाहर निकलेगा तो माउस आउट फायर हो जाएगा। तो ये साइड पे इन्होंने ये सारे लिखे हैं। ऑन माउस लीव पे जाएंगे हम तो ये देखें उसी का अपोजिट यहां पर बात लिखी हुई है कि कर्सर पॉइंटिंग डिवाइस इज मूव्ड आउट ऑफ इट। तो ये तमाम के तमाम यहां पर जो ना इवेंट्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है, एक इवेंट में आपको करके दिखा रहा हूं यहाँ पे कोड लिख के, बाकी का आप खुद समझदार हैं, ठीक है। आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी माउस इन माउस आउट की तो आप खुद से उसको कर सकते हैं। अच्छा वेल अब हम आगे क्या कर रहे थे इस पे, ऑन माउस ओवर, ठीक है। ऑन माउस ओवर पे मैंने क्या कर दिया कि स्वैप इमेज, सही एक फंक्शन बना दिया स्वैप इमेज के नाम से, और जिसको कि मैं क्या करूंगा स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल, सही है। अब मैं यहां पे करूंगा कि जी विंडो डॉट इमेज स्वैप आईएमजी इक्वल्स टू एरो फंक्शन, राइट। और इस एरो फंक्शन के अंदर अब मैं क्या करूंगा कि कुछ ऐसा कोड लिखूंगा, फिलहाल के लिए इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी करके मैं उठा लेता हूं इस पूरे के पूरे इमेज को, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया कि जी इसको एक आईडी दे दो, मैंने कहा माई आई एन जी ऐसे इसका नाम रख दिया मैंने, और एसआरसी नहीं दी ना मैंने इसको अभी तक, कौन से वाले में मुझे मिल जाएगा, हाँ इस इमेज के पूरे मैं उठा के ना इसको यहाँ ले आता हूँ, सही है। मेरे पास दो इमेजेस आ गई अब, तो मैंने कहा कि जी एक इमेज मेरे पास बैनर है एक इमेज मेरे पास कार है, तो मैं पहले इसको क्या लगा देता हूँ, शुरू में इसको लगा देता हूं मैं आईएनजी स्लैश बैनर लगा देता हूं, ठीक है।
अभी शुरू में ना ये एक इतनी सी वेबसाइट है, अभी तक मैंने इस पे कुछ कुछ फंक्शन वगैरह कॉल नहीं किया, जस्ट ये एक इमेज का टैग है, दैट्स इट। इस पे अभी कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा, जो आप पहले से जो करते हुए आ रहे हैं इस पे जस्ट वही हुआ हुआ है। अच्छा अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि ऑन माउस ओवर पे ये मैंने स्वैप इमेज का इस पे फंक्शन कॉल किया हुआ, तो हमने मेक श्योर करना है कि अच्छा जी क्या वाकई ये माउस ओवर पे ये फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, हमने तो पहले तो ये मेक श्योर करना है, उसके बाद उस पे एक्शन जो लेंगे वो उसके बाद की कहानी है। तो मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग ठीक है, इवेंट सही है, इवेंट कैच हो गया, अगर ये फंक्शन चलता है तो इसका मतलब है इवेंट कैच हो गया। आ जाते हैं अब यहाँ पे जी, और इसका हम ना इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके और इसको रिफ्रेश कर दिया मैंने। अच्छा इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लेते हैं। अब जैसे इमेज के ऊपर मैं कर्सर अपना लेके जाऊंगा तो ये इवेंट कैच आ गया, ठीक है, दोबारा लेके जाऊंगा फिर होगा, वापस हटा लिया। अच्छा वापस हटाने पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया फिलहाल, तो वापस हटाने पर कुछ नहीं हो रहा, मैं दोबारा कर्सर ऐसे लेके जाऊंगा फिर इवेंट फायर हुआ, ठीक है। तो जितनी दफा मैं इस पर लेके जाऊंगा उतनी दफा वो इवेंट फायर हो, तो हमें पता चल गया कि अच्छा जी इवेंट तो पकड़ में आ गया। अच्छा अब हमें करना क्या है, अब हमें करना यह है कि इस इमेज का, इस इमेज को आईडी के जरिए उठाकर इसका सोर्स चेंज कर देना है, तो हमें क्या होगा फिर कर्सर लेके जाएंगे हमें लगेगा इमेज ही चेंज हो गई है ना, आसान है मुश्किल तो नहीं है ये काम। तो मैंने कहा कि जी गया भाई इसको ना लेट एलिमेंट, मेरा जो भी एलिमेंट है मैंने कहा एलिमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर सब लोगों को पता है क्या होता है, क्वेरी सेलेक्टर माई आईएमजी, मैंने कहा भी ये एलिमेंट उठाओ, सही है ये पूरा एलिमेंट मैंने उठा लिया, बल्कि इसका मैं एलिमेंट नहीं इसका मैं नाम रखता हूँ आईएमजी, सही है, और मैंने कहा जी आईएमजी डॉट और एस आर सी ऐसे ही होता है इक्वल्स टू कुछ और एस आर सी लगा देता हूँ स्लैश आई एम जी स्लैश और क्या था बाइक था दूसरा कार डॉट जेपीजी, कार डॉट जेपीजी कर दिया ठीक है। अच्छा जैसे ही देखो मैंने इस पे कर्सर किया ना इमेज हो गई। अच्छा इमेज का ना पहले तो मैं वो विड्थ सेट कर दूं, जरा विड्थ इसकी मैं कर रहा हूं 400, सही है, वो रीजन उसका ये है कि दोनों इमेज का जो साइज है वो काफी डिफरेंट है, ठीक है अब ये सही समझ आएगा ना। अच्छा ये मैंने रिफ्रेश किया, इनिशियली ये पिक्चर आ रही थी, अब ये माउस लेके मैं जैसे ही इसके ये ऊपर गया मेरा इमेज चेंज हो गई, इवेंट फायर हुआ इमेज चेंज हो गई। अच्छा अब मैं इसको हटाता हूं तो इमेज वो चेंज हो गई, वो हो गई, अब वो नहीं हो रहा है ना। अच्छा अब मैं ऊपर लेके जाऊंगा इसको तो इवेंट तो स्टिल फायर हो रहा है लेकिन वो तो सोर्स मैंने चेंज कर दिया वो हो गया। अब मैंने करना ये है कि जब मैं माउस हटाऊं तो इमेज वापस पहले जैसी हो जाए, अब क्या करूं, अब इस पे मैं एक इवेंट और लगा दूंगा ऑन माउस आउट, ओवर का जो एक है वो आउट है ना मेरे ख्याल, ऑन माउस आउट के अलावा कौन सा है लीव, हाँ दोनों पे करके देख लेते हैं। अच्छा जब देखो इसमें ना बहुत सारे इवेंट्स ऐसे तो नाम बिल्कुल मिलता जुलता कि माउस आउट और माउस लीव, तो आपने दोनों को जाके एमडीएन पे पढ़ना है कि दोनों में छोटा सा कोई डिफरेंस होता है, समटाइम सीक्वेंस का डिफरेंस होता है कि जी ये पहले चलेगा ये बाद में चलेगा, इस तरह के चक्कर होते हैं, तो फिलहाल हम माउस लीव लगा लेते हैं। और मैंने इसके अंदर कहा कि जी बैक टू ओरिजिनल एक फंक्शन बना दिया मैंने, सही है, अब बैक टू ओरिजिनल के नाम से एक फंक्शन मुझे चाहिए, और बैक टू ओरिजिनल में मैं क्या करूंगा ये वाला इसको ना वापस लगा दूंगा, कोड पूरा का पूरा कोड वही है, सही है, नहीं इसका ये कॉन्सोल तो हटाया नहीं मैंने, सही है बैक टू ओरिजिनल जब चलेगा तो इसके ऊपर मैं बैक टू ओरिजिनल का एक कॉन्सोल लगाता हूँ।
सही है, बैक टू ओरिजिनल ये लिखा हुआ आ गया। तो जब एंटर होगा माउस तो ये फंक्शन चलेगा, जब एग्जिट होगा माउस तो ये फंक्शन चलेगा, राइट। आ जाते हैं जब इसको फिर रिफ्रेश किया मैंने, और रिफ्रेश करने के बाद ये मेरा कर्सर है, इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये इमेज चेंज हो जाती है, वापस हटाता हूँ तो इमेज पहले जैसी हो जाती है। सही है, तो माउस इन और माउस आउट ये हमने कर लिया। अच्छा अब इसके अंदर ना नोट करने वाली बात क्या है, इसके अंदर नोट करने वाली बात ये है कि जब मेरा ये फंक्शन चलता है ये वाला, अभी तक मैंने इवेंट पकड़ा है, सिर्फ इवेंट का ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ा, इवेंट पकड़ा है सिर्फ इवेंट का, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ा अभी तक। सही है, अब ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए ना मुझे यहां पे इवेंट यहां लिखना पड़ेगा। सही है, देखो अब मैं कॉल कर रहा हूं इस फंक्शन को एक पैरामीटर के साथ कॉल कर, और फिर वही इवेंट मुझे यहां फंक्शन में पकड़ना होगा। ठीक है, ये इवेंट अब मुझे एज अ पैरामीटर यहां पे मिलेगा। अब ये इस इवेंट पे मुझे क्या मिलेगा, इस इवेंट के पैरामीटर को अगर मैं यहां पे करवाता हूं कॉन्सोल, तो मुझे इस कॉन्सोल के ऊपर ना, यानी जैसे ही मेरा इमेज स्वैप होगा तो ये इवेंट मैंने पकड़ा है और इस इवेंट को मैंने कॉन्सोल करा दिया है। अब आ जाते हैं इस कॉन्सोल हुए हुए इवेंट को, जरा हम अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं इसकी। रिफ्रेश किया इसको मैंने यहां, और जैसे ही मैंने माउस एंटर किया तो आप देखिए कॉन्सोल के ऊपर मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, जो पूरा का पूरा इवेंट का ऑब्जेक्ट मुझे मिला है वो इवेंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। अच्छा, इस इवेंट के ऑब्जेक्ट में मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे क्योंकि माउस का इवेंट है तो माउस की करंट पोजीशन क्या है, पूरी स्क्रीन पे, मेरे पेज पे और उस एलिमेंट पे जिस पे हवर हुआ है, इन तीनों जगहों पे ना माउस की पोजीशन क्या है मुझे वो मिलेगी। ठीक है, फिर जिस एलिमेंट के ऊपर माउस होवर हुए, जिस एलिमेंट का ये इवेंट था, अभी हमारे केस में इमेज का था, वो पूरा का पूरा इमेज का एलिमेंट मिलेगा, उस इमेज के एलिमेंट की तमाम तरह डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि इस इवेंट में वो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि इन द इवेंट ऑफ दिस एक्सीडेंट टू पीपल वर इंजर्ड, तो वो इन द इवेंट ऑफ दैट माउस होवर, जो जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, हर एक पार्टिसिपेंट की कंप्लीट डिटेल मुझे इस इवेंट के ऑब्जेक्ट में मिलेगी। ठीक है, हर एक पार्टिसिपेंट जो जो शामिल था इस इवेंट के अंदर, अगर ये माउस का इवेंट होता तो जो बटन प्रेस हुआ है उस बटन का एस्की कोड मिलता, उस बटन के लेटर क्या है वो लिखता, कैप्स लॉक उस वक्त ऑन था या ऑफ था वो मिलता साथ में। तो एक बहुत ही डिटेल्ड किस्म का ऑब्जेक्ट मुझे मिला है यहाँ पे। इसको मैं खोलूंगा तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है कि जी इस ट्रस्टेड ट्रू अल्टर की जो है क्या है इस वक्त, इसके साथ क्या अल्टर की प्रेस हुई हुई थी जब माउस अंदर हुआ, फॉल्स। ठीक है, बबल की चीज होती है वो इस पे जो है ना वो है। अच्छा, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई ये माउस की पोजीशन है। ठीक है, अब माउस की पोजीशन तीन चार है इसमें, एक क्लाइंट एक्स है और एक लेयर एक्स लेयर वाई है, ये भी माउस की पोजीशन है। तो तीन तरह की माउस की पोजीशन है, एक तो पूरे स्क्रीन पे, एक मेरे डॉक्यूमेंट पे और एक उस एलिमेंट पे माउस की पोजीशन कि कितने पिक्सल एक्स और कितने पिक्सल वाई है। ऑफसेट करके भी मुझे एक एक्स वाई मिल रहा है, ये भी माउस की पोजीशन है। ठीक है, पेज के ऊपर एक एक्स वाई मिल रहा है, ये भी माउस की पोजीशन है। माउस की कई तरह की पोजीशन मुझे यहां पे मिलेगी। ठीक है जी, अब इसके अंदर मुझे यहां पे ना देखो क्या मिल रहा है, टारगेट। टारगेट वो चीज है जिस एलिमेंट के ऊपर मैंने इवेंट लगाया होता है, टारगेट वो चीज है ये। अब इस टारगेट के अंदर जो है ना, अब मुझे उस एलिमेंट की जिसके ऊपर ये इवेंट लगा हुआ था उसकी तमाम तरह डिटेल मुझे यहां मिलेगी। अच्छा, टारगेट का इस वक्त सोर्स क्या था, मतलब टारगेट जो है मेरा वो क्या है, एक इमेज है। अब उस इमेज का कोई ना कोई सोर्स होगा, वो मुझे इस जगह पे मिलेगा। देखते हैं अब कहां पर तलाश करते हैं। ठीक है, टारगेट डॉट एट्रीब्यूट्स, इस टारगेट पे जो एसआरसी था वो कहां था, वो एट्रीब्यूट में था, तो मैं एट्रीब्यूट्स में जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स डॉट आईडी, एट्रीब्यूट्स डॉट एसआरसी और एट्रीब्यूट डॉट, ये देखो जितने एट्रीब्यूट थे सब आ गए इधर। मैंने एक विर्थ करके भी एक एट्रीब्यूट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था उसमें, 400। देखो यहाँ 400 अंदर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, 400 ये रहा। मैं वापस जाऊंगा अब एसआरसी में, एसआरसी के ऊपर जो बात लिखी हुई थी वो मुझे यहां मिल गई। ठीक है, तो मैं अगर इतना भी बोल दूं ना, मैं अगर इतना भी बोल दूं कि जी टारगेट डॉट
एट्रीब्यूट डॉट एस आर सी इक्वल्स टू नया एट्रीब्यूट दे दूं तो काम हो जाएगा मेरा, मुझे वो पूरा का पूरा एलिमेंट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, तो ये पूरा देखो मुझे मिला हुआ है वो पूरा का पूरा आइटम। फिर इसके अगर कोई चिल्ड्रन है उस एलिमेंट के, अगर कोई चिल्ड्रन है तो वो सारे चिल्ड्रन भी मुझे मिलेंगे साथ। मिसाल के तौर पर अभी तो ये इमेज है ना, अगर इसकी जगह डिव होता और उसके अंदर छह इमेजेस होती तो छह की छह चाइल्ड उसके मुझे मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ देख रहे हो चाइल्ड नोड्स के अंदर, अभी चाइल्ड नोड इसका जीरो है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है अभी इस एलिमेंट का। इसके पेरेंट मुझे तमाम के तमाम मिलेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट का भी जिक्र आ रहा होगा। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसका नाम क्या है इस एलिमेंट का, ये कहाँ पड़ा हुआ है, जो जो ईच एंड एवरी पॉसिबल डिटेल वो सब मुझे मिलेगी। नेचुरल हाइट, नेचुरल विड्थ, यानी इस इमेज में जो इमेज लगी हुई है, अगर इस पर मैं विड्थ लगा के इसको छोटा नहीं करता तो एक्चुअल इमेज का साइज क्या था, वो भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारी चीजें इसमें नल है, बहुत सारी चीजें नल होने का रीजन ये है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ टेबल पे मिलती हैं, जैसे सेल की हाइट, सेल की विड्थ, वो तो इस पे नहीं होती। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें नल मिलने का ये रीजन भी है। जैसे ऑन ब्लर के ऊपर कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ इसलिए नल है, ऑन ब्लर पे कोई फंक्शन होता तो वो यहाँ दिख रहा होता मुझे। इवेंट है ना ये पूरा का पूरा, देखो माउस लीव पे इवेंट वो लगा हुआ फंक्शन तो वो दिख रहा है मुझे, माउस ओवर पे फंक्शन लगा वो दिख रहा है, बाकी सारे नल है। सही है। अब ये व्यू करके भी मुझे मिल रहा है कुछ। अच्छा वेल, अब इस पूरे ऑब्जेक्ट में ना गुम होने की जरूरत नहीं है। सही है, इस अब ये हमें पता चल गया कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग मिलती है, आप जो सोच सकते हैं वो इसमें मौजूद है। इस इवेंट में शामिल होने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन तमाम पार्टिसिपेंट्स की तमाम तरह डिटेल इसमें मौजूद है, लेकिन आपको इसके अंदर गुम होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये, तो आप इसको एक्सप्लोर अगर करना चाहें ना कि भाई एक एक को जाके मैं एक्सप्लोर करूं तो कोई फायदा नहीं है उसका। आपने क्या करना है, अब आपने इसको सोचना है, अब सोचने के हिसाब से करना है कि जी अगर मिसाल के तौर पर मैं एक ऐप बना रहा हूं जो ड्रॉइंग की ऐप है, ड्रॉइंग की ऐप है अगर, तो वो ड्रॉइंग की ऐप माउस क्लिक करके जब मैं खींचूंगा तो उतना हिस्सा रेड हो जाना चाहिए और माउस छोड़ के अगर खींचूंगा तो रेड नहीं होना चाहिए, है ना। अब कौन सी ऐसी, कौन सा ऐसा एलिमेंट मैं लगाऊंगा उस पर कि जिस पे माउस को दबा के जब खींचूं तो उतने हिस्से को मैं चेंज करा पाऊं, क्योंकि वो पोजीशन तो मुझे मिलेगी लेकिन डिव में मैं ये काम नहीं कर सकता ना, डिव में ये काम नहीं कर सकता कि जी 300 पिक्सल का डिव है तो दरमियान का एक पिक्सल मैं ब्लैक कर दूं, ये नहीं कर सकता डिव में, वो पूरी डिव ब्लैक होगी अगर होगी तो। ठीक है, तो एक एलिमेंट होता है उसको कैनवस कहते हैं, कैनवस के नाम से होता है। कैनवस एक एलिमेंट है जिसमें ये चीज पॉसिबल है कि भाई 300 पिक्सल का डब्बा है ना अगर, तो दरमियान में 4 पिक्सल में ब्लैक करना है बाकी को सफेद रखना है, तो उसमें ये कर सकता हूं। तो कैनवस का एक एलिमेंट बनाएंगे, बिल्कुल डिव की तरह होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कैनवस का एक एलिमेंट लूंगा मैं, माउस को दबा के ऐसे खींचूंगा तो उतने को ब्लैक कर दिया मैंने, फिर साइड पे एक ड्रॉप डाउन लगा दूंगा, येलो ग्रीन ब्लू रेड, बंदे ने रेड सेलेक्ट कर लिया, तो अब जब उस पर मैं दबा के खींचूंगा तो वो रेड करना है अब ब्लैक नहीं करना, तो ये तो ड्राइंग ऐप बन गई पूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक कैनवस छोटा सा लेके 300-400 पिक्सल का और उस पर 4 कलर के पेन आपने बनाने, इतना सिंपल सा काम, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, कैनवस की जरा मैं शक्ल दिखा देता हूँ कि कैनवस किस तरह का होता है। ठीक है, ये जी आपको W3 स्कूल पे भी कैनवस का एलिमेंट इन्होंने बना के बताया हुआ। ठीक है जी, ये आ गया कैनवस। अच्छा ये अभी भेज देता जी, अभी भेज देता हूँ। अब ये देखो इन्होंने क्या किया, गेट एलिमेंट बाई आई डी कैनवस, और कैनवस पे इसने बोला भाई सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट टू डी, टू डी कॉन्टेक्स्ट करना है। इसने बोला जी के सी डी डॉट मूव 0 0, मतलब एक लाइन शुरू करनी है, एक पॉइंट पकड़ा 0 0, वो टू डी मैट्रिक्स है एक्चुअली, है ना, कि वो 0 0 जो वो टॉप लेफ्ट है, और फिर इसने बोला कि भाई 200 by 100, ये एक दूसरी पोजिशन दी, और उसने बोला स्ट्रोक, उसने कहा यहां से शुरू करो इधर स्ट्रोक लाइन बना दो एक, तो ये कैनवस पे ही हो सकता है। इसको मैं ट्राई इट योर सेल्फ पे जाता हूं। अच्छा, इसमें ये तो इसने स्ट्रोक किया है, स्ट्रोक के अलावा बहुत सारी चीजें इसके अंदर और भी हैं। अब मैंने कहा कि जी आपको ना
80 पे चले जाओ आप, ये मैंने इसको 100 से कम करके 80 कर दिया, रन किया, देखो लाइन मूव हो गई। ये एक डिव की तरह है, लेकिन इस डिव में क्या है, कैनवास एक खास तरह का डिव है जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि पूरे डिव का कलर चेंज किए बगैर आप उसमें एक सर्टन पार्ट का कलर चेंज कर दें। ठीक है, अब ये कैनवास ये आपने देख लिया W3 स्कूल पे, ये सर्कल कैसे ड्रॉ होगा इसके ऊपर, इस पे हेलो वर्ल्ड लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह करके हेलो वर्ल्ड लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, ये सारा कोड वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है। ग्रेडियंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है, काफी सारी चीजें इस पे, जब माउस इसके ऊपर जाएगा आप जब क्लिक करोगे तो वो इवेंट मिल जाएगा कि जहां पे क्लिक हुआ है, मूव करोगे जहां पे क्लिक छोड़ोगे उसकी पोजीशन मिल जाएगी, तो लाइन तो बन जाएगी ना, फिर लाइन बना सकते हो ना फिर कैनवास पे, खत्म हो। लेट्स ट्राई, देखते हैं फिर क्या होता है, थोड़ी रिसर्च खुद से भी करना अगर मेरी बात समझ नहीं आई है तो। ठीक है, क्या करने लगा था मैं, अच्छा ये कैनवास की एपीआई मोज़िला पे भी है, एमडीएन पे भी पड़ी हुई है। ठीक है, क्या क्या इस पे हो सकता है वो सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसकी बकायदा लाइब्रेरीज भी है, fabric.js, heatmap.js, p5.js, ये सारी लाइब्रेरी का इन्होंने जिक्र किया हुआ है, लेकिन वेल लाइब्रेरी को यूज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, फिलहाल डायरेक्ट आपने इससे काम करना है। सही है, देखो इसने क्या किया हुआ, ctx.fill_style green और rectangle fill rectangle, और ये इसने बता दिया कि जी चार कलर दे दिए, वो चार कलर के हिसाब से ग्रेडियंट खुद ही हो गया। सही है, हाँ नहीं 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 वो तो डिफ था, वो डिफ था, वो 7, 8, 10 डिफ है, वो यूं बने हुए एक दूसरे के ऊपर नीचे, वो कैनवास नहीं है, बैच 8 के स्टूडेंट्स ने कैनवास पे बनाया था, ड्राइंग है उनसे बनवाई थी मैंने, सो इवेंट पढ़ते हुए उनको दिया था असाइनमेंट। वेल तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा, और यहीं से फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आपको मैंने एक तो छोटी छोटी ऐप्स बनाने के लिए कहा है, वो मशवरा दिया है, वो आप साइड में कंटिन्यूसली उसको करते रहें। नेक्स्ट क्लास में आपने जो असाइनमेंट मुझे शो करवाना है वो ये वाला करवाना है कि जी कैनवास होगी उसके ऊपर माउस के जरिए आप क्लिक करके जब खींचेंगे तो लकीर बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं, पेंसिल वाली लाइन, अगर पेंसिल वाली ना बने तो स्ट्रेट पे गुजारा कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कैनवास की एपीआई को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इवेंट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये दो चीजों से ये बन जाएगा। तो पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल वो वाला काम करना है आपने। अच्छा, और जो आपका अगर पेंसिल वाला नहीं है तो लकीर वाला कर लेना। तो ये छोटी सी ऐप और चार कलर की पेंसिल होनी चाहिए, साइड में ड्रॉप डाउन होगा जिसमें चार कलर आ रहे हैं, और मैं रेड क्लिक करूं तो रेड लाइन खींचे, ब्लैक करूं तो ब्लैक खींचे। ठीक है, जितना हो जाए उतना करके ले आना, ये अगर पूरा नहीं हो तो मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप वो लो, जितना आपसे हो उतना आपने लाजमी करना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि पूरा हो। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।